यश चोपड़ा जी से मिल लो, बिना पूछे किसी फोटो नहीं करते। शाहरुख को उसको रोज देता है ना, तो उसके संग प्रैंक करता है वो ऐसे रोज किसिंग और उसकी सारा की। तो ये देखो तुम, इस ब्रिज तक जाने के लिए 5 फ्रैंक लग रहा है, पहले कुछ नहीं सिर्फ भाई कोई भी सोलो आए 10 फ्रैंक 15 फ्रैंक में आराम से ऐसे यूथ हॉस्टल में रुक सकते हैं, उसमें खाने पीने का भी होता है, तो थोड़ा बहुत पैसे ऐड करके खा भी सकते हो। तो मतलब सोलो आदमी के लिए, सिंगल आदमी के बजट फ्रेंडली में बहुत बढ़िया चीज़ है, ज़्यादातर सब जगह मिली जाती है। एक बेड के साथ बेड होता है ना जो हॉस्टल टाइप का, वो है, तो बढ़िया है सिंगल आदमी के लिए। 10 फ्रैंक दो 15 फ्रैंक दो पर डे का और घूमो। ये सारा है ना टूरिस्ट प्लेस है, तो ये है ना यहाँ पे है ना सबसे ज़्यादा इंडियन, कोरियन और जैपनीज, ये लोग ज़्यादातर देखने को मिलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आता है यहाँ पर। अगर ये मिल जाए करने को तो मज़ा नहीं आ जाए, ये देखते हैं अगर ये होगा और बजट में होगा तो कर लेंगे इसको भी। ये देखो वायर फिक्सिंग चल रही है, बोला ना सब अंडरग्राउंड है। बाकी ये पैराग्लाइडिंग के लिए पूछते हैं, देखते हैं जरा पूछते हैं, ये पता करके आए पैराग्लाइडिंग का, प्लेन से भी ऊपर जाके प्लेन से भी जंप लगवाने का है, और भी चीज़ें हैं। और दुख की बात यह है कि अपने लगे हुए हैं और 2 दिन के लिए फुल है, आज और कल 2 दिन की उनकी बुकिंग ऑलरेडी फुल है, तो अभी तो हो ही नहीं सकता। मज़ा बहुत आएगा यार अगर हो जाएगा तो, देखेंगे वो, देखते हैं, कोशिश में पूरी कर रहा हूँ। ये देखो वहाँ से आएंगे साले उड़ते हुए, प्लेन से भी आएंगे, ये प्लेन है ना इसमें प्लेन से भी जाएंगे 15,000 फीट की ऊपर ऊंचाई से सीधे नीचे डाइंग, शू मज़ा आ जाएगा। बट देखते हैं क्या होता है, आज और कल तो फुल है। वही तो मैं एक अपने फेमस इंडियन पर्सनैलिटी से मिलवा देता हूँ तुम्हें, लो मिल लो जरा, यश चोपड़ा जी से मिल लो। यहाँ पर इंटरलेकन में यहाँ पे यश चोपड़ा जी का एक स्टैचू टाइप का बनाया रखा हुआ है कैमरे के साथ, वाह, एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन यश चोपड़ा 1932-2012। स्विट्जरलैंड को इतना प्रमोट किया है ना, स्विट्जरलैंड को इतना ज़्यादा बिजनेस दिया है ना इंडिया से, इस वजह से इनका नाम देखो कहाँ तक इज्जत दी गई है। गुड सर, मज़ा आया, चलो अब इनके साथ थोड़ा रील और फोटो हो जाए। बाकी काफ़ी इंडियन है यहाँ पे भी, देख लो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तुम जाएंगे ना वहीं से? ये हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, ये हमें जो मेन चीज़ें हैं वही भूल जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, दिखाते नहीं है। एक DDLG का सीन शूट हुआ था वो फूल वाला, वो इसने दिखाया नहीं, अब लौटते में देखते हैं अगर देखने को मिलता है कि नहीं। ये देख लो, सबसे मेन तो वॉच के लिए फेमस है ना ये, सारे बिग ब्रांड यही मिल जाएंगे तुम्हें। Watch. Swiss chocolate. Famous Swiss chocolate. ये वाली लाए थे ना? ये इंटरलेकन का ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे घूमने वाला अब तो बाकी ये मार्केट है, जितना घूमना चाहो उतना घूमता रहो। अब बाकी कुछ दिनों बाद शायद मेरे को वापस यहाँ पे आना पड़े, ट्रेन से ही आऊँगा और ट्रेन से सीधे ऊपर तक जाऊँगा। कहाँ तक जाना अभी है? जाओगे ना, हाँ 220 वो पास लेके जाएंगे अपन। कहाँ जाना था यार, नाम भूल जाता हूँ बार बार मैं,
वो कुम फांग कुम यंग फ्राउ योक यंग 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 फ्राउ यंग है ना यंग फ्राउ योक यंग यंग फ्रांग यंग यंग फ्राउ वर्जिन लेडी Young from Young, it means virgin lady. क्योंकि वहाँ तक कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया है वो virgin lady. मतलब उसका नाम है virgin lady. ट्रैकिंग तो नहीं कर पाया कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया कोई ऊपर तक जा नहीं पाया ना क्योंकि वो एक केबल कार और इसी के थ्रू जाते हैं इसलिए उसको virgin lady कहते हैं. पहाड़ है ऊपर पहाड़ है टॉप पे जाएंगे एकदम. अभी वो ट्रेन से ही जाते हैं उसमें तो वो आऊँगा मैं. बाकी यार नाम बड़े अजीब से हैं तो साला नाम भी समझ नहीं आते यार. जो निकल जाए मुझसे बस वो पकड़ लो तुम तो समझ नहीं आ रहा. ये मेरे चमगादड़ उड़ उड़ के आ गए उतर गए. देखो आ रहा है एक उतरेगा भी वो उतर गया चमगादड़. अब मैं चमगादड़ इनको क्यों कह रहा हूँ पता है क्योंकि हम लोग जब वॉक कर रहे थे ना तो ऊपर से ऐसे निकल रहे थे पूरी परछाई ऐसे दिखती है जैसे कोई ऊपर से कोई शिकंजा कस रहा है ऊपर से कोई पकड़ने आ रहा है इसलिए इनको चमगादड़ नाम रख दिया मैंने इनका. ये उतर रहे हैं अब सारे के सारे. ये आए गए देख बारी बारी से कितने सारे आ रहे हैं. और यहाँ पे ऋषि को एक दोस्त मिल गए अपने पड़ोसी देश के पाकिस्तान के. ये पाकिस्तान की पाकिस्तानी बच्चे हैं उनके साथ फुटबॉल खेल रहा है. और अभी मैं जाऊँगा सोलो अकेले यंग फ्रॉन्ग. मैंने नाम सीख लिया है यंग फ्रॉन्ग. You are from Pakistan? Yes. Yes, what's your name? No. I'm from Kuwait. Kuwait? Yes. Okay. What is your name? Yusuf. Yes. And you? No video? No. Okay, what's your name? Abdurrahman. Yes. Yeah. What Muslim, is Muslim? Yeah, Muslim, I know. Abdurrahman. Okay, so you live in Switzerland? No. You live in Kuwait? Wait. Yeah, you come to visit here? Yes. Yeah, good. Okay. No. Okay. No video. No video. I'm filming this. Come, Rusho. Dega. बच्चों ने मना कर दिया. No video. No video. पता नहीं यहाँ पे कुछ पंगा है शायद या तो वीडियो नहीं बनवाते हैं शायद ज़्यादा. कुवैत के हैं वो पाकिस्तान के नहीं है. जैसे अभी तो आईबी ऑफिसर थे तो मेरे को सब पता है. मैंने उससे बात की है पूछा था उसने कुवैत बताया ना अपना. लेकिन लग नहीं रहे अपने जैसे. वीडियो बनवाने को मना क्यों कर देते हैं वैसे ज्यादातर लोग. कोई भी कोई वीडियो नहीं तो बिना पूछे किसी फोटो वीडियो नहीं करते. कब बनाया मैंने बता रहा हूँ. अगर आपकी इजाजत से बोले ना तो मैंने वो लेडी से बात की थी वहाँ पे उससे भी मैंने पूछा था कैन आई रिकॉर्ड हिम कैन आई रिकॉर्ड यू तो उसने कहा या देन इज ओके. तभी बताना एक और जगह है ना भी कोई इस्तिकबाल जाना है. तुमसे ना हो पाएगा टाइम पे निकल जाएंगे तो इसेतवाल जाना है. इस्तिकबाल नहीं इस्तिकबाल नहीं इस्तिकबाल इस्तिकबाल जा रहे हैं लोग. ठीक है इस्तिकबाल कर रहा है यार यहाँ के वर्डों का. अच्छा यार तो यार कैसे आ जाएगा एकदम से इस्तिकबाल पैक करेंगे वापस पहुँच जाएंगे फिर वापस उड़वाएंगे किसी न किसी को फिर आ जाएंगे. मेहनत तो है यार. ले भी तो कितने रहे 230 फ्रैंक ले रहे हैं. 230 फ्रैंक यानी 20-22 हज़ार रुपये ले रहे हैं इंडियन रुपीज़ में सिर्फ इतना उड़ाने का. क्या गया एक और कबूतर. ये तो स्विस का झंडा लगा के आया है बिल्कुल. हैं हाँ तभी तो उसका नाम मैंने कबूतर दिया इसको. बाकी को चमगादड़ क्यों बोल रहा था. देखो ये स्विस का झंडा लगाया है ना अपने ऊपर इसलिए मैंने इसको कबूतर बोल दिया कि चल ठीक है भाई मैं तेरी कंट्री में घूम रहा हूँ तो तेरी इतनी इज्जत रख लेता हूँ मैं कबूतर बना लेता हूँ तुझे. बाय बाय कबूतर. ये वो वाला फाउंटेन है वो DDLG में क्या कहते हैं शाहरुख को उसको रोज देता है ना तो उसके संग प्रैंक करता है वो ऐसे रोज दबा देता है उससे पानी निकलता है. ये वो वाला फाउंटेन है लो दिखा देता हूँ तुम्हें देख लो भाई ये है वो फाउंटेन. सही है रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ.
सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं इस्तेमाल क्या सर चलो देख लेते हैं ये है इस्तेमाल इसका सीन देखो जरा ये देखो है प्यारी जगह ये भी अभी लेटेस्ट में सबको याद ही होगा वो कौन सा गाना था हाँ भाई ये जो गा रही है वही वाला गाना रणवीर सिंह और सारा अली का सिम्बा का यहीं पे शूट हुआ था वो गाना देख लो लोकेशन देख लो तुम मुझे क्या देखोगे अभी क्या होगा कि तू लोकेशन देखा तू अपने आप को मत देखा तो मैं उसी को ही दिखा देता हूँ तुम्हें एक गांव टाइप का बसा हुआ है ये छोटे छोटे जितने भी ये घर देख रहे हैं ना सब लोग यहाँ पे रहते हैं बस यहाँ पे शूटिंग हो के ये इतना स्पेशल हो गया ना ये क्या एप्पल है क्या लोगो ये एप्पल देख लो हाँ तो क्या कह रहा था ये सब घर बने हुए हैं इसमें लोग वहाँ रहते हैं और यहाँ पे शूटिंग होने की वजह से और थोड़ा पिकनिक स्पॉट की वजह से ये फेमस हो गई ये जगह और अब इसको लोग टूरिज्म के तौर पर अब ये चलने लगा है तू फ्री में करा के गई थी ना हाँ मैं आई थी 2019 में तब यहाँ गई थी इस ब्रिज पे शूटिंग हुई थी रणवीर सिंह और उसकी सारा की तो ये देखो तुम इस ब्रिज तक जाने के लिए 5 फ्रैंक लग रहे हैं पहले कुछ नहीं था सिर्फ इतनी सी दूरी 5 फ्रैंक में तय होगी जबकि उस दिन कुछ नहीं था हम गए थे मतलब अपन इंडियन कितना कितना इकोनॉमी दे रहे हैं इनको कितना पैसा दे रहे हैं यार लेकिन पागल बनते कर रहे हैं ये पूरे देश अपन ही चलाना है सही बताऊं मैं इतना मूवी शूट कर करके इतनी टूरिज्म दे दिया है कि हर जगह का 5-5, 10-10 फ्रैंक 2-2 फ्रैंक जो चीज़ें फ्री में होती थी ना कुछ टाइम पहले तक अब 5-5, 10-10 फ्रैंक 15 फ्रैंक 20 फ्रैंक लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं क्योंकि टूरिज्म दे दिया है मूवी शूट हो गई हैं तो फेमस हो गई हैं चीज़ें उस वजह से बाकी अभी कुछ टाइम पहले रुचि का शायद फ़ोटो भी डाल दूंगा रुचि ने वहीं तक गई थी फ्री में एकदम अभी 3 लोगों को जाना था आप 5 रुपये 5 फ्रैंक चलो कोई नहीं नहीं दे रहे हम 5 फ्रैंक कोई नहीं हम यहीं से ले लेंगे फोटो कोई दिक्कत नहीं है वो ब्रिज को फेमस कर देना कोई दिक्कत नहीं हम यहीं से ले लेंगे हमको नहीं देना मतलब वहां तक जाने के 500 रुपये नहीं देना हमको बचा लेंगे अपने 500 रुपये खेल खिलौने लग गया वो सब गेम हो गया टाइम वेस्ट